लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैलासे पार्वती त्वंच शारोदे सिंधु कन्यका स्वर्गे च स्वर्ग लक्ष्मी त्वं मर्द लक्ष्मी च भूतले वैकुण्ठे च महालक्ष्मी देवदेवी सरस्वती गंगा च तुलसी त्वंच सावित्री ब्रह्मलोकतः कदम्बमाला त्वं देवी कदम्ब काननेऽपि च राजलक्ष्मी राजगृहे गृह लक्ष्मी गृहे गृहे। उठिए महारानी, तुला पर बैठी। परंतु मेरे हनुमान कहाँ हैं? जब तक हनुमान नहीं आएंगे मैं तुला पर नहीं बैठूंगी। माता 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 माता, मैं आ गया। माता माता, प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। कहिए माता, आपने हनुमान का स्मरण क्यों किया? हनुमान, तुम अपनी माता को छोड़कर कहाँ चले गए? माता, मैं माता को छोड़कर माता के पास ही गया था। अर्थात? अंजना माता ने मेरा स्मरण किया था, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। आज्ञा कीजिए। हनुमान, मैं तुला पर बैठ जाऊं यदि तुम्हारी आज्ञा हो। अवश्य माता, परंतु। परंतु क्या? परंतु तुला के दूसरी ओर पहला स्वर्ण मैं रखूंगा। ठीक है हनुमान। आइए माता, आइए। जय श्री राम। हनुमान अकेले पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते। हम अयोध्या वासी भी इस पावन कार्य में सम्मिलित हैं। हमें भी पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए प्रभु। हनुमान, तुम्हारी दिव्य गदा का भार जनकेंद्री देवी सीता तो क्या? यदि तुला की एक और तीनों लोग भी रख दिए जाए तो भी भारी पड़ेगा। इस बात से मैं भली भांति परिचित हूं। परंतु प्रभु, मैं अपनी माता सीता के लिए स्वर्ण दान करना चाहता हूं। हनुमान, देवी सीता तुम्हारी माता है ये मैं जानता हूं, परंतु साथ ही साथ ये संपूर्ण अयोध्या वासियों की भी माता है। यदि अयोध्या वासी स्वेच्छा से स्वर्ण दान करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। हनुमान, अपनी गदा उठा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अयोध्या वासियों, आप स्वेच्छा से स्वर्ण दान कर सकते हैं। जनक नंदनी महारानी सीता की जय। 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 महारानी सीता की जय। महारानी सीता की जय। जनक नंदनी महारानी सीता की जय। जनक नंदनी महारानी सीता की जय।
की जय। जनक नंदनी महारानी सीता की जय। जनक नंदनी महारानी सीता की जय। जनक नंदनी महारानी सीता की जय। महारानी सीता की जय। महारानी सीता की जय। जनक नंदनी महारानी सीता की जय। यज्ञ के पुण्य प्रताप से देवी सीता शीघ्र ही गर्भ धारण करेंगी, परंतु आपके होने वाले पुत्र अयोध्या के राजमहल में जन्म नहीं लेंगे। अयोध्या के राजमहल में जन्म नहीं लेंगे। अयोध्या के राजमहल में जन्म नहीं लेंगे। क्या बात है स्वामी? कुछ नहीं सीता, कुछ नहीं। आओ। मैं सोच रहा था सीते कि मैंने तुम्हें एक बार नहीं बार बार दुख दिया। मेरी प्राण प्रिय होते हुए भी तुमने सदा दुखी दुख पाया, फिर भी तुम हंसती रही। सीते, तुम सचमुच महान हो, महान हो तुम। स्वामी, सीता श्रीराम से कभी महान नहीं हो सकती। सीता तो श्रीराम के चरणों की दासी ही रहेगी। स्वामी, मुझे पता है कि आप अवश्य मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं सीते, ऐसी कोई बात नहीं। स्वामी, मेरा मन रखने के लिए आप मुझसे सत्य छुपाने की चेष्टा ना कीजिए। आपके लिए मैं कभी भी और किसी भी कठोर सत्य का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूं, परंतु मैं अपने स्वामी को कभी दुखी नहीं देख सकूंगी। अब ये सब बातें छोड़ो सीते, अब तो मुस्कुराने का समय आया है। जानती हूँ गुरु वशिष्ठ ने हमसे क्या कहा? क्या कहा स्वामी? उन्होंने कहा कि धर्मिष्ठि यज्ञ के पुण्य प्रताप से तुम शीघ्र ही अयोध्या के युवराज की माता का पद सुशोभित करोगी। तुम शीघ्र ही माता बनोगी। ये कहकर आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रदान किया है। तीनों राजमाताओं की कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। ये सुनकर मेरे हृदय में हर्ष का सागर लहराने लगा है। आप अद्भुत हैं स्वामी, आप महान हैं स्वामी।